हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में हमने एब्डोमेन के सारे मसल्स के नाम याद कर लिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो हमारी मेन आर्टरी है एब्डोमिनल एओर्टा, उसकी हम बात करने वाले हैं। उसकी सारी ब्रांचेज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें एक न्यूमोनिक आता है जिससे आप इसको अच्छी तरह से पूरी तरह से याद हो सकता है इजिली। तो जो न्यूमोनिक है वो है 2, 3, 4 एंड 5। तो हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं 2, 3, 4 एंड 5। दो है हमारे पास क्या, इसकी टर्मिनल ब्रांचेस दो है हमारे पास, टर्मिनल ब्रांचेस। तीन है हमारे पास एंटीरियर ब्रांचेस। चार है हमारे पास लेटरल ब्रांचेस। और पांच है हमारे पास डोर्सल ब्रांचेस। तो मतलब जो एओर्टा है ना, उसके हर जगह से उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। तीन तो आगे से निकल रही हैं, चार लेटरल से निकल रही हैं, पांच पीछे से निकल रही हैं, और नीचे जाके ये टर्मिनली दो में ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो मान लो ये हमारी एब्डोमिनल एओर्टा आ रही है, तो नीचे जाके ये ऐसे टर्मिनल में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये एब्डोमिनल एओर्टा आती है ना, नीचे जाके ऐसे दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। कुछ ही ब्रांचेस आगे से देती है, तीन लेटरल से चार देती है, और पीछे से ये पांच ब्रांचेस देती है। तो एब्डोमिनल एओर्टा की सबसे पहले टर्मिनल ब्रांचेस की बात ही कर ले यहां पे। तो टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं वो है हमारे पास दो, दो टर्मिनल ब्रांचेस है जिनको हम बोलते हैं कॉमन इलियक। तो टर्मिनल ब्रांचेस हैं दो, इनको क्या बोलते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी होती है हमारे पास दो, कॉमन इलियक आर्टरी है दो, एक राइट कॉमन इलियक आर्टरी और एक लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, तो ये हमारे पास होगी दो। तीन एंटीरियर ब्रांचेस की अगर हम बात करें, तो एंटीरियर ब्रांचेस है तीन। सबसे पहली जो है इसके अंदर वो है सीलियक ट्रंक। सबसे फर्स्ट नंबर पे है सीलियक ट्रंक, दूसरे नंबर पे है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और थर्ड नंबर पे है हमारे पास इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो इनकी अगर हम बात करें, तो जो हमारी सीलियक ट्रंक है ये कौन से लेवल से निकलता है, ये जो T12 वर्टिब्री है ना, उसके लेवल से ये निकलता है। T12 के लेवल से निकलता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक निकलता है L1 के लेवल से, और इंफीरियर मेसेंट्रिक निकलता है L3 के लेवल से, और जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं ये निकलती हैं L4 के लेवल से। मतलब जो फोर्थ लंबर जो हमारी वर्टिब्री है उसके लेवल पे तो हमारी एब्डोमिनल एओर्टा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो सीलियक ट्रंक जो है ये सप्लाई करता है किसको, सप्लाईज फोरगट। ये फोरगट को सप्लाई करता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक मिडगट को सप्लाई करता है, और इंफीरियर मेसेंट्रिक हाइंडगट को सप्लाई करता है। अब ये फोरगट मिडगट हाइंडगट इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम आते हैं चार जो लेटरल ब्रांचेज है, जो इसमें याद रखने की चीज है, ये चारों की चारों क्या होती हैं, ये चारों की चारों हमारे पास होती हैं कौन सी, पेयर्ड होती हैं। तो चारों की चारों लेटरल ब्रांचेज जो हैं वो होती हैं पेयर्ड। तो पेयर्ड हैं, तो इनके नाम की अगर हम बात करें, तो जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारे पास यहाँ पे, इसको ना एक तो सीक्वेंस में याद करना है, जिस सीक्वेंस में लिखूंगा उसी सीक्वेंस में निकलती है लेटरल से, और उसी सीक्वेंस में हमें इसको याद करना है। तो जो फर्स्ट आर्टरी जो निकलेगी वो है इंफीरियर फ्रेनिक, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। सेकेंड जो निकलती है उसके नीचे से जो निकलती है वो है मिडल सुप्रारिनल आर्टरी, मिडल सुप्रारिनल आर्टरी। थर्ड नंबर पे निकलती है हमारे पास रीनल आर्टरी, मेन जो रीनल आर्टरी है, और फोर्थ नंबर पे निकलती है हमारे पास गोनेडल आर्टरी। तो फर्स्ट पे इंफीरियर फ्रेनिक, उसके बाद मिडल सुप्रारिनल, उसके नीचे रीनल आर्टरी, और उसके नीचे गोनेडल आर्टरी। ये चारों निकलती है, जैसे ये हमने लेटरल दिखाई है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, इंफीरियर फ्रेनिक, ये हो गया हमारे पास मिडल सुप्रारिनल, तो ये हो गया
इन्फीरियर फ्रेनिक, ये मिडल सुप्रा रीनल, ये हो गया रीनल थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास होगी कौन सी, गोनेडल आर्टरी। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डोर्सल वाली ब्रांचेस के बारे में, जो इसके पीछे से ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसके पीछे से जो निकलती हैं वो है हमारे पास चार जो पेयर है ना, तो जो पीछे से निकलती है वो है चार पेयर्स निकलते हैं किसके, लंबर आर्टरी के। चार पेयर्स ऑफ लंबर आर्टरी जो किसको सप्लाई करती है, L1 से लेके L4 तक सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद एक निकलती है कौन सी, मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो जहां पे मैंने पेयर्ड लिखा है ना, उसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से निकल रही है, देखो ये दोनों तरफ से पेयर्ड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेटरल वाली चारों पेयर्ड होती है, जबकि एंटीरियर वाली पेयर्ड नहीं होती, और जो डोर्सल वाली में मैंने लिखा है चार पेयर ऑफ द लंबर आर्टरी, तो पेयर में निकलेगी, लेकिन जो मीडियन सैक्रल आर्टरी है ये पेयर में नहीं निकलती, तो मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि L1 से L4 तो यहाँ पे आ गया, L5 कहाँ गया, तो जो हमारा L5 है ना, इसको कौन सप्लाई करता है, इसको सप्लाई करती है इलियो लंबर आर्टरी इसको सप्लाई करती है। अब इलियो लंबर आर्टरी किसकी ब्रांच है, इलियो लंबर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। जो पोस्टीरियर डिवीजन है इंटरनल इलियक आर्टरी की, उसकी ब्रांच है इलियो लंबर, वो सप्लाई करती है L5 को। तो अब ये हमारे पास ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, इंटरनल इलियक। तो हमने जो कॉमन इलियक की बात की थी ना, एक कॉमन इलियक आगे जाके किस में डिवाइड होती है, एक एक्सटर्नल इलियक में और एक इंटरनल इलियक के अंदर, ठीक है। वही इंटरनल इलियक एक ब्रांच देती है इलियो लंबर, जो L5 को हमारे सप्लाई करती है। तो ये हमने बात की एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।